हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बाकी आप लोग को मैं पहले ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मुझे कुछ बताना है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हो कि हैकर ने फ़ोन को टैप्ड कर लिया था। अब भाई हुआ ये कि जो हैकर था, मुझे तो यहाँ तक कि पता चल गया है कि उसने कहाँ कहाँ, क्योंकि मेरा UPI भी वो लॉगिन करके कहीं पे पे कर चुका है और फ़ोन पे से मेरे पैसे कुछ कट गए। तो साफ साफ शब्दों में भाई ये जान लो कि मतलब पूरा फ़ोन ही हैक हो चुका था मेरा। और जो कुछ भी मैं इन्फॉर्मेशन भाई यहाँ खोलता था, वो सारे इन्फॉर्मेशन उसके पास दिखते थे, मेरे जो फ़ोन के स्क्रीन पे आते थे। इस वजह से उसने मेरा पूरा टैप्ड कर लिया था। बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, तो सोचा कि भाई आप लोगों को बता दूं। और वो ब्लॉग वाला मैं चैनल तुरंत डिलीट कर दिया था, चैनल नहीं डिलीट किया था, जो मेल लॉगिन था मेरे पास, क्योंकि 2-3 मेल आईडी थे जो मेरे फ़ोन में लॉगिन थे, तो वो सब मैं डिलीट कर दिया। बाकी देखता हूँ, उसको लाने की कोशिश करूँगा। अभी तो मुझे पूरा सही से वो मेल आईडी नहीं याद आ रही है कि कैसे मैंने बनाया था क्या लिख के ब्लॉग वाले चैनल का। बाकी ये मेन चैनल तो है ही मेरे फ़ोन में, मेन मेल आईडी जिससे मैं सारे वीडियोस डालता हूँ अपने। बाकी भाई अभी मैं अपने घर पे हूँ, देख सकते हो ये मेरे पीछे खेत का एरिया है और ये मेरा पूरा छत है, आप लोग देख सकते हो। इधर गेहूँ बोया गया था तो कटाई हो चुका है। बाकी ये देख सकते हो आप लोग यहाँ का नज़ारा कैसा लगता है, मेरा गांव। बाकी मैं पूरा राउंड राउंड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, मतलब कि मेरा घर भाई बहुत बड़े गांव में नहीं है, ऐसे ही छोटे गांव में 2-4 घर का पूरा गांव है मेरा। मेन जो मेरा गांव है उससे अलग हटके रहता है ये मेरा घर जो पड़ता है, थोड़ा साइड में है, क्योंकि जो पूरा बड़ा वाला एरिया गांव का है वो उधर है, वहाँ पे है, वो यहाँ से आपको नहीं दिखेगा। तो भाई जो कुछ भी हुआ उसके लिए अब क्या ही कहें, जिसने भी किया जो भी कर रहा है, ये सब भाई होता रहता है। आप लोग को तो पता ही होगा, जो भाई लोग वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसा कि मैंने एक बार वीडियो बना रखा था इसको लेके कि भाई बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही थी उस टाइम। बाकी अब धीरे धीरे थोड़ा नॉलेज हो जा रहा है यूट्यूब के बारे में, तो इस वजह से अब इतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं लगती है। लेकिन फिर भी यहाँ तक कि भाई फ़ोन उन टैप हो जाए तो फिर आप लोग समझ सकते हो ना कि कैसा लगता है। बाकी अभी सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नैनीताल गया था घूमने के लिए और वहाँ का ब्लॉग बनाया हूँ, बढ़िया सा एक ही ब्लॉग बना पाया हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ भाई एक दिन रुका था, सारे अरेंजमेंट करने थे, देखने थे, और फिर मैं थक भी गया था क्योंकि ट्रेन से गया था, तो भाई नींद भी नहीं आई थी मुझे, ट्रेन के अंदर नींद नहीं आती है, इस वजह से मैं वहाँ पे एडिट करके डाल नहीं पाया उस ब्लॉग को। बाकी ब्लॉग बना लिया हूँ, अब घर पे आ गया हूँ तो भाई एडिट कर लूँगा और पड़ जाएगा। तो मैं सोचा आप लोगों से बात कर लूँ और बता दूँ कि कैसे क्या। बाकी मैंने पोस्ट कर रखा था एक भाई कि मैं क्या अपने चैनल पे भी ब्लॉग टाइप के वीडियोस बना सकता हूँ या नहीं, ब्लॉग या ये रिव्यू के वीडियोस जो मैं गाड़ियों का रिव्यू करता हूँ, तो उस पर जो ओट्स मिले हैं। अब भाई इतना बड़ा चैनल तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो ओट्स आ रहे हैं, जो ओट्स का परसेंटेज है, वो ब्लॉग वाले ब्लॉग टाइप पे ज़्यादा मिला है मुझे ओट। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब कुछ ब्लॉग टाइप का ट्राई करूँ इसी चैनल पे, बिकॉज लोग ब्लॉग ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये रिव्यू वगैरह भी करता रहूँगा, जो अच्छी गाड़ी मुझे दिखेगी उसके बारे में बताऊँगा, उसको चलाऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा, चला के सब कुछ दिखाऊँगा, सारे सिस्टम दिखाऊँगा, जैसे मुझे जो गाड़ी अच्छी लगेगी, जो पसंद आएगी, जो कुछ भी नया ट्रेंड पे रहेगा, वो सारे चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँगा अपने वीडियोज़ के थ्रू। बाकी अब मैं ऐसे ही ट्रैक्टर्स के वीडियोज़ जो कि ब्लॉग टाइप के आप लोगों को मिलेंगे और स्टंट वगैरह का वीडियो मिलेगा, तो भाई अब उस चैनल पे ब्लॉग नहीं पढ़ने वाला है। बाकी कुछ वीडियोस मैंने डाल रखे थे एडिट वगैरह करके, लेकिन चलो जाने दो, छोड़ो यार, अब क्या ही कर सकते हैं, जब ऐसा ही हो गया है तो क्या ही कर सकते हैं। तो अब जो है इसी चैनल पे मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि भाई दो चैनल हैंडल करना इतना आसान तो है नहीं, आप लोग खुद ही जानते हो। अभी मैं बहुत छोटा क्रिएटर हूँ,
और वैसे भी मेरे 4000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो भाई उसके लिए बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों को ये करवाने के लिए, क्योंकि मैंने पोस्ट डाल रखा था तो बहुत जल्दी आप लोगों ने सपोर्ट किया और पूरे करा दिए, तो इसके लिए भाई थैंक यू सो मच आप लोगों को। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो भाई। बाकी सोच रहा हूँ कि 10K पे मैं मीटअप रखूँ, अभी तो 4000 हुए हैं इतनी मेहनत करने के बाद, तो सोच रहा हूँ इतनी ही मेहनत और करके जब 10K हो जाएंगे मेरे और आप लोग जितने जल्दी करा दोगे तो मैं एक मीटअप करूँगा और वहाँ पे लोगों से मिलेंगे। थोड़ा भाई फील लाना है कि मतलब यूट्यूबर बन रहा हूँ, धीरे धीरे आपका भाई यूट्यूबर हो रहा है, तो मतलब वो फील भी आना चाहिए ना। तो मीटअप करेंगे भाई बढ़िया से और सब लोगों से मिलेंगे। मुझे इससे नहीं मतलब कि मेरे मीटअप पे कितने लोग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कौन कौन से लोग आ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। अगर भाई 10 ही लोग आ जाएंगे तो वो भी मेरे लिए बहुत रहेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। तो वो एक अलग मैटर होता है कि कितने लोग आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है या नहीं हो रही है, वो मायने नहीं रखता मेरे लिए, क्योंकि मेरे जो अपने होंगे वो ज़रूर आएंगे और देखेंगे भाई। सबसे मिलूँगा, जो भी आएगा अच्छे से मिलूँगा सभी लोगों से, एकदम मतलब ऐसा जान लो कि एज ए फैमिली मेम्बर सभी से मिलूँगा। तो आप लोग जल्दी से सपोर्ट करो और जल्दी से सपोर्ट करके भाई मेरे 10K करवाओ और अभी 10K का टारगेट मेरा पूरा हो जाए, उसके बाद मैं भाई इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा। अभी भी मैं कोशिश करूंगा कि इतने बढ़िया कंटेंट आपको मिले कि आप लोग इन्जॉय कर सको। बाकी ये देख सकते हो कि ये छत का एरिया है, ये मेरे छत का एरिया है और ये यहाँ एक ताड़ का पेड़ है, आप लोग देख सकते हो पीछे। बाकी इधर फूल के पौधे लगे हुए हैं और आज मौसम भी भाई बारिश वाला हो रखा है, थोड़ा बादल हो रखे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बारिश होगा। तो गाइस अभी मैं ये ब्लॉग बना लिया हूँ और इस ब्लॉग को मैं डाल दूँगा। बाकी सब कुछ तो ठीक है भगवान के दया से। तो गाइस अब मैं मुझे बस यही कहना है कि भाई मैं जब स्टार्टिंग में वीडियोस बनाता था मेरे मेन चैनल पे और इसी चैनल पे जिस पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं कभी मेरे 1000 भी सब्सक्राइबर होंगे। या एक होता है ना कि पहले जब आपके कम सब्सक्राइबर रहते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि जब 1000 हो जाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ा फैमिली हो जाएगा मेरे लिए, जब 1K लिख के आएगा आपके चैनल पे। तो भाई मैंने मेहनत किया, वीडियोस डालता गया, डेली रेगुलर कंटेंट बनाता गया आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे, और आप लोगों के सपोर्ट से 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए थे, 4000 वाट टाइम भी कंप्लीट हो गया था, चैनल मोनेटाइज भी हो गया है मेरा। तो ये सब भाई सिर्फ आपकी सपोर्ट की ही वजह से हो पाया है। बाकी अभी मैं इस टाइम 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका हूँ बस सिर्फ आप लोगों के ही सपोर्ट से, जो कि भाई सोच के बहुत ही अच्छा लगा था। ये भी मैं नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर पाऊँगा या ऐसा होगा कभी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं जो कि मैं यहाँ नहीं बता सकता आप लोगों को। बाकी भाई अब देखते हैं जो टारगेट बनाए हैं 10K का वो कितने जल्दी होता है, कब तक पूरा हो जाएगा, आप लोग कितना सपोर्ट करोगे मेरा और कितने जल्दी पूरे करा दोगे, तो वो भी देखता हूँ भाई। अभी तो फील नहीं हो रहा है कि वो भी होगा, लेकिन शायद आप लोगों के सपोर्ट की वजह से भाई वो भी हो जाए, और शायद नहीं भाई एकदम कंफर्म हूँ कि आप लोग ज़रूर करोगे। भाइयों का अगर सपोर्ट रहेगा, ये भाईचारा ऐसे ही बना रहेगा, तो भाई कुछ भी हो सकता है। बाकी होप करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इसमें मैंने कुछ खास नहीं दिखाया, बस आप लोगों को मैं कुछ जानकारी देना चाहता था, बताना चाहता था इस ब्लॉग के थ्रू कि मेरे साथ हो क्या रखा है। तो मैंने वो सब कुछ आप लोगों को बता दिया, अब आप लोगों को क्या करना है, जस्ट आप लोग सपोर्ट करो और मैं जो कॉन्टेंट बनाऊँ उसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स भी किया करो कि भाई कैसे कंटेंट्स लाओ, क्या लाओ, तो उस पर मैं कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा कि मैं वो लाने की पूरी कोशिश करूँ और ऐसे कंटेंट ला सकूँ, पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। बाकी मिलते हैं नए ब्लॉग में, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ब्लॉग। तो गाइज लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को मेरे शेयर करें। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।